रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। सुरेंद्र बहादुर ने 1,11,11,111 रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा। बड़ी बात यह कि सुरेंद्र बहादुर ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए भी 50 लाख रुपए का दान देने का ऐलान किया। राम मंदिर के लिए आज आपने जो ये अभियान शुरू हुआ उसमें 1,11,11,111 रुपए का दान दिया, तो क्या इसके पीछे आपकी सोच है जो मंदिर जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन आज से शुरू हुआ? ये हमारी हमने अपनी आत्मा की आवाज पर ये दान दिया है और हमारे परिवार की परंपरा रही है दान की परंपरा। हमारे पिताजी ने 4-6-8 लाख दान दिए होंगे, हमने भी अपने जीवन में 4-6-8 लाख और व्यक्तिगत नहीं शिक्षा क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज में अस्पतालों में मैं 1 लाख रुपया चरक हॉस्पिटल में हर महीने गरीबों के इलाज के लिए देता हूँ और पुराने जितनी जगह जो थी जहाँ मैं पढ़ा जहाँ छोटी शिक्षा ग्रहण की जहाँ बड़ी की हर जगह मैंने पिता और हर कार्य मैं पिताजी के ही नाम से कर रहा हूँ। अपने नाम से मैंने एक भी कोई निर्माण कार्य या दान की रसीद मैंने अपने नाम से नहीं करवाई। इतने दान आपने किए तो राम मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, कुछ अलग सा भाव मन में आ रहा है कि भगवान राम के काम में आपका? मेरा राम हर हमारा ईश्वर पर अटूट विश्वास है और हम हर जगह इससे हमारी हिंदुत्व या धर्म पर आस्था बढ़ती है, राम जी पर आस्था बढ़ती है, हिंदू धर्म पर आस्था बढ़ती है। राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बन रही है, उसके लिए भी जमीन दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने राम भगवान राम के लिए दान दिया है तो मस्जिद के लिए भी कुछ नहीं? मैं 50 लाख रुपया दूंगा मस्जिद, मैं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ। एक ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।